प्रदेव नारायण सिंह हूँ। आज का धरना का कार्यक्रम है कि महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से एक हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन का मूल मांग है कि विगत 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी हम लोग की याचिका पे मंजूरी दे चुका है कि देश के सभी मतदाताओं को देश की आमदनी में हिस्सा दिया जाए। तो हम लोग अपनी याचिका का मांग पत्र में ये रखे हैं कि 137 सांसदों के द्वारा एक याचिका हम लोग लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रस्तुत किए थे। उस याचिका पे एक हामिद अंसारी जी के पीरियड में दीपक गोयल कमेटी बनाई गई थी। लंबी जांच के बाद दीपक गोयल कमेटी 2 दिसंबर 2011 को सिफारिश कर चुका है, मंजूरी दे चुका है कि देश के नागरिकों को देश की आमदनी में हिस्सा दिया जाए। इसी चीज़ को हम लोग जो है आज पुनः जो है जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं कि जब 2 दिसंबर 2011 को सिफारिश हो चुका है तो आखिर इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है। हमारी मांग है कि देश की आमदनी में देश के मालिक जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनको कम से कम रुपये 6,000 प्रति माह उनको जो है सामाजिक सुरक्षा के तौर पे भत्ता दिया जाए।